नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। 12 महीने काम करने वाले सुविधा कर्मी नहीं, इन्हें नियुक्त करें सुप्रीम कोर्ट। सुविधा कर्मचारी पक्के होंगे तो देखते हैं पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, खबर आई सुविधा कर्मचारियों के नियुक्तिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। इंडस्ट्रियल और रेलवे लाइन के किनारे सफाई करने वाले मजदूरों का सुविधा से हटाकर स्थायी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा और उनके वेतनमान में वृद्धि की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को लेकर बड़ी अपडेट जारी कर दी है, जिसके अनुसार रेलवे लाइन के किनारे काम करने वाले सभी सुविधा कर्मचारियों का अब नियुक्त किया जाएगा। उनका अब स्थायी करके उनके वेतनमान के अलावा और भी सुविधा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम 1970 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सुविधा कर्मचारियों के हक में अपना फैसला सुना दिया है, जिसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम 1970 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब नियुक्त होंगे। अब सुविधा कर्मचारियों को नियुक्त करके उनका वेतनमान को बढ़ाकर 4,500 कर दिया जाएगा। अब सुविधा कर्मचारियों को उनके काम करने पर सम्मान मिलेगा, उनको एक स्थायी कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा। सभी राज्यों के सुविधा कर्मचारियों पर नियुक्तिकरण पर फैसला जारी। सभी राज्यों के सुविधा कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तिकरण को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। राज्य के सभी सुविधा कर्मचारियों को किया जाएगा परमानेंट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुविधा कर्मचारियों को नियुक्त करना एक महत्वपूर्ण फैसला है। नियुक्तिकरण के बाद इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिल जाएगा, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल सुविधा कर्मचारी की याचिका सुनाई करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मासिक स्थायी प्रगति के काम करने वाले नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के अधीन सिर्फ स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रमिक नहीं माना जा सकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी है सुविधा पर लगे हुए, उनको जो नियुक्तिकरण के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो इंडस्ट्रियल और रेलवे लाइन के किनारे जो सफाई करने वाले मजदूर है उन्हें अब सुविधा से हटाकर स्थायी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। और सारे बहुत सारे राज्यों में भी जो सुविधा कर्मियों के नियुक्तिकरण का प्रोसेस जारी है, यानी जल्द जो सभी राज्यों के जो सुविधा कर्मियों ने नियुक्त किया जाएगा। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।